हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपको, अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये दे रखा है कि एक फ्लोरिंग टाइल है जो कि पैरेललोग्राम के शेप में है और उसकी बेस दे रखी है 24 और हाइट दे रखी है 10। ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखा है दोनों। अब ये पूछा आपसे कि हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर एरिया ऑफ 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि ये जो टाइल्स हैं इतनी कितनी टाइल्स लग जाएगी आपको अगर आपको एक एरिया कवर करना है। कितना एरिया कवर करना है, 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं पैरेललोग्राम टाइल का। ठीक है, तो आपको बेस दे रखी है, बेस इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। तो एरिया निकल जाएगा एरिया ऑफ टाइल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। तो ये कितना हो जाएगा, 24 इंटू 10 दैट इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ फ्लोर आपको दे रखा है कितना है, एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको क्या निकालना है कि नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, कितनी टाइल्स लगेगी। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेगी, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, पर डिवाइड कब करते हैं हम किसी भी चीज़ को, दो यूनिट रेशो कब निकालते हैं किसी भी चीज़ का, जब दोनों की यूनिट सेम हो। ठीक है, तो या तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें या फिर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, दोनों में से एक करना पड़ेगा। तो हम ज़्यादा इजी क्या है, 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था मैंने यूनिट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 1080 मीटर स्क्वायर है, तो 1080 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ फ्लोर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, तो दैट इज 1080 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 240। तो वन ज़ा ये वन ज़ा। ठीक है, अब दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 2 से कैंसिल करें तो ये 12 टाइम्स, ये आ गया 54। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल करते हैं तो दैट इज 6 और ये आ गया आपका 27। अब 3 से करते हैं तो ये 3 2 ज़ा और ये आ गया आपका 9 ज़ा। ठीक है, अब 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 1 ज़ा और ये आ गया आपका 5,000। तो 9 × 5,000 दैट इज 45,000। ठीक है, तो 45,000 आपकी टाइल्स लग जाएगी अगर आप ये नंबर ऑफ टाइल्स, अगर पैरेललोग्राम का जो भी आपको टाइल्स दे रखी है वो टाइल्स कितनी लगेगी पूरे एरिया को कवर करने के लिए, दैट इज 45,000 टाइल्स। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 5 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।